बलौदा बाजार जिधौरी से इस वक्त की बड़ी खबर देखने को मिल रही है। 360 पैकेट गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। गिधौरी पुलिस की बड़ी सफलता। माजदा वाहन में कर रहे थे गांजे की तस्करी। गिधौरी पुलिस ने की कार्यवाही। गांजे की कीमत लगभग 18 लाख तक बताई जा रही है। कबाड़ की सामान के बीच में छुपा रखे थे गांजा। गिधौरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजे का प्रकरण ऐसा है कि मुखबिर के माध्यम से हमको सूचना मिली थी कि उड़ीसा की तरफ से बिराईगढ़ मार्ग की तरफ से होते हुए गिधौरी को छोड़ते हुए गिधौरी की तरफ से गाड़ी जा रही है, जिसका नंबर MH35LJ0677 है और उसके ऊपर में ओम साईराम लिखा हुआ है। और गाड़ी के अंदर कुछ गत्ते के कार्टून जैसा कुछ सामान रखा हुआ है, जो कबाड़ी का सामान होता है उस जैसा। तो उसी सूचना तस्दीक से हम लोगों ने ये पुलेनी मोड़ घटमड़वा जो है मेन रोड में, वहाँ पर इस गाड़ी को रोक के तस्दीक किया है। तस्दीक करने पे पुट्ठों के बीच में 14 बोरी हमको मिला था, जिसमें तकरीबन 352 पैकेट गांजा था। और तौल करने पे वो 365 किलो के आसपास है। और वाहन को और तलाशी करने पे उसके दो व्यक्ति बैठे मिले, एक चालक जिसका नाम प्रफुल्ल गौड़ और उसके साथ में उसका परिचालक था कृष्णा लीलवे, ये दोनों गोंदिया निवासी हैं और इन्हीं के कब्जे से 365 किलो गांजे जब्त किया। क्या कार्रवाई की जा रही है? 20 केस के तहत कार्रवाई किया जा रहा है दोनों आरोपियों के खिलाफ, और वाहन भी जब्त किया गया है और माल का जो अग्रिम कार्रवाई है उसको मेरे नाम सर किया। लगातार ये गिरावट आने का कौन सा कार्रवाई है गाड़ी? अब ये तो कहना मैं नहीं बोल पाऊंगा, अगले 9 महीने में 9वां या 10वां कार्रवाई किया है। सर अनुमानित कीमत क्या होगा? लगभग 18,26,000 हमने आता है। ठीक है।